अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल ने मदार इलाके में सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, स्थानीय पार्षद मौजूद रहे। विधायक अनीता बधेल ने बताया कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगातार सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। विभिन्न कारणों से सड़कें टूटी पड़ी थी, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में विधायक कोष व अन्य व्यवस्था से 70 लाख की लागत से गांधीनगर शमशान से शॉपिंग मॉल स्थित गलियों और जेपी नगर की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसे लेकर आज कार्य का शुभारंभ करते हुए शिलान्यास किया गया है। आगामी कुछ दिनों में ये सड़कें बनकर तैयार होगी, जिसके बाद यातायात का दबाव भी कम होगा और आम जनता को भी राहत मिलेगी। वहीं क्षेत्र के मदार पहाड़ी पर वृक्ष कुंज उद्यान का कार्य प्रगति पर है, जो 50 लाख की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। इसमें 30 लाख का सहयोग राज्यसभा सांसद व श्रम मंत्री की ओर से दिया गया है, बाकी 20 लाख विधायक कोष से स्वीकृत किए गए हैं, जिसके बाद एक शानदार उद्यान बनकर तैयार होगा। नाका मदार क्षेत्र में लगभग 70 लाख रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें ये जो मुख्य मार्ग है गांधीनगर मोड़ से शमशान तक की सड़क 21 लाख रुपए की है। इसी प्रकार से 25 लाख रुपए की सड़क शॉपिंग सेंटर के पीछे जो गलियां जा रही हैं उनकी है, और जो मुख्य आईटीआई वाला रोड है, जो मुख्य मार्ग है मदार जाने के लिए, जेपी नगर जाने के लिए, वो 10 लाख रुपए की लागत से वो सड़क बनने जा रही है। तो इस तरह से लगभग 60-70 लाख रुपए की सड़कों का शिलान्यास आज यहाँ किया गया है। और मैं समझती हूँ कि इन सड़कों के शिलान्यास से, आप देख रहे होंगे ये रोड बिल्कुल सिंगल पटरी है, तो जिस तरह से यातायात का दबाव बढ़ा है और वाहन जिस तरह से निकलते हैं, तो यातायात का दबाव भी कम होगा और दो लेन मिल सकेगी, क्योंकि शमशान की वजह से बहुत आवाजाही कई बार यहाँ रहती है, तो दो लेन होने से लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इसी प्रकार से ये जो शॉपिंग सेंटर है, इस शॉपिंग सेंटर के पीछे कई कॉलोनियाँ हैं, तो इन कॉलोनियों का निर्माण कार्य होगा। इसी तरह से मधुबन कॉलोनी का जो शॉपिंग सेंटर है, उसके पीछे की सड़कों का निर्माण कार्य होगा। और आईटीआई वाला जो रोड है हमारा, जो मुख्य रोड है जेपी नगर, उसमें भी सीसी सड़क का निर्माण कार्य होगा। तो मुझे लगता है कि एक साथ एक वार्ड में 4 अलग अलग स्थानों पर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो वादा करता है उसको पूरा करता है, और उसी क्रम में यह काम चल रहा है। अभी इसी वार्ड में ऊपर वन देवी वृक्ष कुंज का काम भी चालू है, जो 50 लाख रुपए की लागत से माननीय भूपेंद्र जी ने इसमें 30 लाख रुपए की अपनी सहयोग राशि दी है। तो 30 लाख रुपए वो और 20 लाख रुपए विधायक मद से ये कार्य शुरू हो गया है, और शीघ्र ही एक बहुत सुंदर रमणीय स्थल, यहाँ की कॉलोनी के लोगों के लिए घूमने का स्थान और ताज़ी हवा यहाँ लोगों को मिल सकेगी, तो बहुत सुंदर उद्यान बनकर के शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि विकास की दृष्टि से जो हमारे दोनों पार्षद हैं, अंजना जी शेखावत और रजनी जी चौहान, लगातार संपर्क में रहते हैं और लगातार काम करते हैं। एक नाले का निर्माण भी विधायक कोष से यहाँ स्वीकृत हुआ है, जो 20 लाख रुपए की लागत से कुछ ही समय में हम उसका शिलान्यास करेंगे। तो विकास की झड़ी हमारे पार्षदों के कार्यकाल को लगभग एक वर्ष पूरा होने पाया है, और जो हमारे पार्षदों ने अपनी जनता से जो वादा किया था, उस वादे को पूरी तरह से निभाने के लिए वो कृत संकल्पित है, और उसी क्रम में ये शिलान्यास के कार्यक्रम रखे गए हैं। नाका मदार गांधीनगर में 21 लाख की लागत से इस सड़क को चौड़े करने का कार्य आज प्रारंभ होने जा रहा है। इसका श्रेय मैं हमारी बहन, इस क्षेत्र की विधायिका, पूर्व मंत्री अनीता जी बधेल को देना चाहूँगा। इस क्षेत्र के लोगों की कई दिनों से इच्छा थी कि ये सड़क चौड़ी हो, गांधीनगर की सड़क चौड़ी, जगह ज़्यादा होने के बावजूद सड़क चौड़ी नहीं थी, तो चौड़ी करने के लिए 21 लाख का फंड उन्होंने स्वीकृत करवाया। और साथ ही यहाँ पर ऊपर एमडी कॉलोनी के अंदर जो वन गार्डन जो बनने जा रहा है, वहाँ पर भी कार्य मैं समझता हूँ कल शायद शुरू हो जाएगा, और वहाँ का भी जब दृश्य देखने को आप जब जाएंगे, जब बन जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र की इतनी खूबसूरती हो जाएगी इस क्षेत्र की, कि लोग बाग बाहर से यहाँ पर पर्यटन आएंगे, पर्यटन स्थल की तरह यहाँ बनेगा। और इसी तरह से अनीता जी बधेल अगर कार्य करते रहे, तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र को हम स्मार्ट सिटी, जो नाम चल रहा है वो स्मार्ट सिटी, हमारा स्मार्ट कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा, और ये स्मार्ट कॉलोनी बनेगी। धन्यवाद।